हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑफ ट्यूजर्स पे। मैं आपके एडुकेटर स्वाति। आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि गवर्नमेंट क्यों पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, उसके कॉजेज क्या होते हैं और पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों किया जाता है, उसके प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो हम लोग आज जानेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है। तो पहला है प्रिंसिपल पब्लिक एक्सपेंडिचर का, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल बेनिफिट। According to Dalton, the best system of public finance is that which secures the maximum social advantage from the operation which is conducted. जो आपका maximum social advantage होता है उसमें क्या होता है कि जो भी government आपका expenditure खर्च करती है तो उससे लोगों को क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, यानी socially उन्हें क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा advantage हो। ठीक है, अटेनमेंट ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज रिक्वायर्स। अब जो अगर आपको सोशल एडवांटेज रिक्वायर करना है तो आपको उसके लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं देख लेते हैं। बोथ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन शुड बी कैरिड आउट टू सर्टेन लिमिट्स और नो मोर। जो आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन है एक सर्टेन लिमिट पे होना चाहिए। पता नहीं कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि मतलब आप पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा करो आपकी टैक्सेशन जो है वो क्या है, कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टैक्सेस से ही जो हमारा जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो खर्च है वो क्या होता है, इकट्ठा होता है। तो एक सर्टेन लिमिट में होना चाहिए। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी यूटिलाइज अमॉन्ग द वेरियस यूजेस ऑफ ऑप्टिमल मैनर। और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो एक ऑप्टिमल मैनर में खर्च होना चाहिए। जैसे मान लो कि किस सेक्टर को कितना खर्च चाहिए, जैसे कि आप लोग को मान लीजिए रेलवे हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, तो और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे किस चीज़ पे ज़्यादा गवर्नमेंट को खर्च करना है वो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, ऑप्टिमल मैनर में होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि किसी मतलब सिस्टम में हम ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज़ कर दे रहा हूँ गवर्नमेंट का खर्च हो तो पब्लिक एक्सपेंडिचर कर दे रहा हूँ और किसी सिस्टम में आपका कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ टैक्सेशन शुड हैव ट्रैप्ड दैट एग्रीगेट सेक्रीफाइस इंटेल्ड इन मिनिमम। जो आपका डिफरेंट सोर्स ऑफ टैक्सेशन होता है वो मतलब आपका ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और मतलब ऐसा नहीं है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम खर्च ही कर दे रहे हों, उसको थोड़ा मतलब कि प्रॉपर अमाउंट में ऑप्टिमल मैनर में उसे खर्च करना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सोशल मैक्सिमम सोशल बेनिफिट, यानी हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, फ़ायदा देना है। तो ये चीज़ें रिक्वायर्ड है, यानी आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर और जो टैक्सेस है उसको सर्टेन लिमिट में ही, मतलब ये नहीं कि ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर दे रहा हूँ और ज़्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर कर दे रहा हूँ, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और आपका जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है हर सेक्टर में उसको प्रॉपरली इन्फ्यूज़ करना चाहिए, यानी ऑप्टिमल मैनर में खर्च करना चाहिए। और जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ टैक्सेस है उसको सही से मतलब आपके यूज़ करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी देख लेते हैं इसमें क्या है। इट इज़ मीन्स टू बी एक्स्ट्रावेगेंस एंड वेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स शुड बी अवॉइडेड। जितना ज़्यादा हम मतलब पैसा को अगर वेस्ट करेंगे, मनी को गलत जगह पे एक्सपेंड करेंगे, खर्च करेंगे, तो हमारा जो है वो पैसा तो बच नहीं पाएगा। तो हमें कैसे करना चाहिए, उसे जिस सेक्टर में ज़्यादा अच्छे से रिक्वायरमेंट हो, ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो उसमें खर्च करना चाहिए। द पब्लिक हैज़ ग्रेट पोटेंशियलिटी फॉर पब्लिक गुड बट इट हैज़ ऑल्सो प्रूव इंजीरियस एंड वेस्टफुल। कभी कभी जो होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है, मतलब आपका कहता है उसके अंदर ग्रेट पोटेंशियल होता है, मतलब अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जा रहा हो तो इकोनॉमी क्या है, ग्रोथ करेगी, वेलफेयर की तरफ हमारी क्या करेगी, मूव करेगी। इफ द गुड पब्लिक गुड बट मे प्रोवाइड इंजीरियस एंड वेस्टफुल। कभी कभी क्या होता है, ये चीज़ क्या होती है, इंजीरियस एंड वेस्टफुल होती है हमारे गवर्नमेंट के लिए। क्यों होती है, क्योंकि मान लीजिए ज़्यादा व्यय हो गया और लोग उसका वेलफेयर मतलब कि उसको उससे उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, गवर्नमेंट के लिए एक डेब्ट का कारण हो गया। डेब्ट मतलब क्या होता है, आपके कर्ज का कारण हो गया, क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो मैक्सिमम होता है गवर्नमेंट का क्या करता है, डेब्ट लेके करता है, तो ये एक तरीके का वेस्टफुल हो जाता है। इफ़ द रिवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द टैक्स पेयर इज़ हीडलेसली स्पेंट इट वुड बी ऑब्वियस अन इकोनॉमिकल। अगर हम गलत तरीके से खर्च करते हैं जो रिवेन्यू हमने कलेक्ट किया है एज अ इनकम ऑफ गवर्नमेंट, तो अगर हम उसको गलत तरीके से खर्च करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अन इकोनॉमिकल मैनर होगा। तो यानी इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी शुड बी फॉलो इन द
पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी जब हम खर्च कर रहे हो तो सही सही से हमें खर्च करना चाहिए, कि इस सेक्टर में करना चाहिए कि जिससे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को फ़ायदा हो और आपके देश को फ़ायदा हो और वेलफेयर में बढ़ोतरी हो। कैनन ऑफ सैंक्शन, अनदर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंडिचर इज दैट बिफोर इट इज़ एक्चुअली इनकर्ड इट शुड बी सैंक्शन बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। अब जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, ज़रूरी नहीं है कि आपका गवर्नमेंट तुरंत खर्च कर दे, तो उसे एक ऐसा अथॉरिटी उसके ऊपर होना चाहिए जिसको वो क्या करे, उसको सैंक्शन करे, ठीक है। द अनऑथराइज स्पेंडिंग इज बाउंड टू लेड एक्स्ट्रा वेगेंस और ओवर स्पेंडिंग। कभी कभी जो अनऑथराइज एक्सपेंडिंग होती है, खर्च होती है, वो क्या होता है, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा वेगेंस और एक्स्ट्रा मतलब ओवर स्पेंडिंग को बढ़ावा देता है। मान लीजिए कोई अथॉरिटी है, वो एक सैंक्शन करने का एक तरीका होता है कि मान लीजिए आपका एक कोई अथॉरिटी है, वो उसमें जो मतलब मैनेजर है वो आपका सैंक्शन कर रहा है उस पैसे को। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होना चाहिए कि वो अथॉरिटी वाला मैनेजर जो है वो एक प्रॉपर वे में उसको सैंक्शन करे, अदरवाइज़ अगर कोई भी उठ के पैसा को उसको खर्च करने लगेगा तो क्या होगा, एक्स्ट्रा वेगेंस एंड ओवर स्पेंडिंग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी कोई कंपनी, एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी कोई कंपनी, आप उसके क्या हो, मालिक हो, आपके पास सारा पैसा है, अगर आप उसको उस पैसे को किसी को भी दे देते हो खर्च करने के लिए, तो क्या करेगा, आपके ऊपर वो कहीं ना कहीं भार हो जाएगा। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट के पास भी जो इनकम होता है उसको कैसे खर्च करना है, उसके ऊपर भी एक अथॉरिटी होनी चाहिए उसको रोकने के लिए, कि किस तरीके से इसको खर्च किया जा रहा है, क्या ये एक प्रॉपर तरीका है कि नहीं है, ये सब चीज़ ये होना चाहिए। इट मीन्स दैट अमाउंट मस्ट बी स्पेंड ऑन द पर्पस फॉर विच इट वॉज सैंक्शन। क्या जिस पर्पज़ के लिए उसे निकाला गया उस पैसे को, उस पर ही खर्च किया जा रहा है या फिर कहीं और किया जा रहा है। अलाइड टू कैनन ऑफ सैंक्शन देयर इज़ अनदर वाइज ऑडिटिंग। एक ऑडिटिंग होना चाहिए, ऑडिटिंग मतलब जो पैसा देता है ना, ऑडिट करता है पैसे को। द पोस्ट मॉडर्न एग्जामिनेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, दैट इज ऑल पब्लिक अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर शुड बी प्रॉपरली ऑडिटेड। और एक प्रॉपरली ऑडिटिंग होना चाहिए उस अकाउंट का, कि किस सेक्टर को, किस मिनिस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दिए गए हैं, एक तरीके उसका पूरा खाका तैयार होना चाहिए। टू सी दैट द अमाउंट हैव नॉट बीन मिस अप्रोप्रिएट मिस स्पेंट, यानी गलत जगह पे उसका खर्च ना हो, गलत तरीके से उसका यूज़ ना हो, यानी करप्शन के लिए यूज़ ना हो। तो कैनन ऑफ सैंक्शन का मतलब क्या, एक अथॉरिटी होनी चाहिए, एक ऑडिट कमिटी होना चाहिए, एक ऑडिट करने ऑडिटर जनरल होना चाहिए, जिससे क्या करे, वो पैसे को ऑडिट करे, मतलब दे हर सेक्टर को या फिर हर मिनिस्ट्री को। तो उसका एक तरीके से क्या होना चाहिए, उसके पास सब कुछ होना चाहिए, ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि कहाँ पर कहाँ ज़्यादा खर्च हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस बजट, बजट हमारा हमेशा बैलेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमारा इनकम कम है और हम खर्च ज़्यादा कर रहे हो। एक्सपेंडिंग मतलब आपका एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, ज़्यादा है, अगर आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा डेब्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब हम ज़्यादा उधार में आ जाएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस बजट हमेशा फॉलो होना चाहिए, यानी रिवेन्यू के हिसाब से हमारा खर्च भी होना चाहिए। इधर गवर्नमेंट मस्ट ट्राई टू कीप बजट वेल बैलेंस, देयर शुड बी नाइदर एवर इनकरिंग सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस का मतलब क्या है, जब गवर्नमेंट के पास क्या होता है, रिवेन्यू ज़्यादा होता है और खर्च मतलब आपका कम होता है, तो उस समय गवर्नमेंट क्या होती है, सरप्लस में होती है। अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और रिवेन्यू क्या होती है, कम होती है, तो हमारा क्या होता है, आपका जो डेफिसिट होता है, डेफिसिट बजट होता है उस साल। जैसे इस समय जो इस साल हमारा बजट बना वो कैसा बना, डेफिसिट बजट बना, यानी हमारा खर्च ज़्यादा था और हमारे पास रिवेन्यू क्या था, कम था। एवरी रिकरिंग सरप्लस आर नॉट डिज़ायरेबल बिकॉज इट शो दैट पीपल आर अननेसेसरली हैवी टैक्स्ड। इफ एक्सपेंडिचर एक्सीड रिवेन्यू एवरी ईयर देन टू नॉट हेल्दी साइन बिकॉज कंसाइडर टू बी साइन ऑफ फाइनेंशियल वीकनेस ऑफ द कंट्री। अगर हमारा खर्च ज़्यादा है और हमारा इनकम कम है ना, खर्च ज़्यादा है और हमारा इनकम कम है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, डेफिसिट, कमी है हमारे देश की। उसी तरीके से हमारे देश में भी अगर हम खर्च ज़्यादा कर रहे हैं और हमारा रिवेन्यू कम है, यानी इनकम कम है, टैक्सेस कम है हमारे पास, तो ये क्या है, गवर्नमेंट की क्या है, वीकनेस है, फाइनेंशियल वीकनेस है, ठीक है। कैनन ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, अनदर सम प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज दैट इट शुड बी फेयरली इलास्टिक। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऐसा होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, फेयरली इलास्टिक होना चाहिए। इट शुड बी पॉसिबल फॉर पब्लिक अथॉरिटीज़ टू वेरी द पब्लिक एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू नीड। अब खर्च जो है उस किसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, नीड के अकॉर्डिंग करना चाहिए, जैसा नीड है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा खर्च भी होना चाहिए।
द रिजिड लेवल एक्सपेंडिचर में प्रूव सोर्स ऑफ ट्रबल एंड एम्बेरसमेंट फॉर बैड इन बैड टाइम्स. अल्ट्रेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन इज़ नॉट डिफिकल्ट बट इलास्टिसिटी इज नीड टू बी मोस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन. इट इज़ नॉट ईजी टू कट डाउन एक्सपेंडिचर. अब अगर हम देखेंगे कि खर्च, हमारा खर्च ज़्यादा है, हमारे पास जो है मतलब आपके बहुत सारे सेक्टर्स को पैसा चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पैसे को इन्फ्यूज़ करना ही पड़ेगा उस सेक्टर में. तो ये सब ध्यान में रखना चाहिए. व्हेन इकोनॉमी इज एक्स अप्लाइड द पेनफुल प्रोसेस. और ये क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है तो एक तरीके से ये पेनफुल प्रोसेस होता है. फिर क्या है, अवॉइड अनहेल्दी इफेक्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. अब अनहेल्दी इफेक्ट क्या होता है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको जान लेते हैं. इट इज़ नेसेसरी टू सी दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सरसाइजेज अ हेल्दी इन्फ्लुएंस बोथ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन कम्युनिटी. जो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो क्या है, एक हेल्दी इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्शन एंड आपके डिस्ट्रीब्यूशन को. प्रोडक्शन क्या है, प्रोड्यूस करना किसी भी गुड्स को और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना लोगों के कम्युनिटी में. ये कौन करता है, आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है. इट शुड स्टिमुलेट प्रोडक्शन एक्टिविटी सो दैट द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री इंक्रीजेज एंड मे बी पॉसिबल टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग. अब जैसे ही हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा, क्योंकि लोगों के पास उतने अच्छे गुड्स पहुँचेंगे और वो क्या होगा, और उनके पास कहीं ना कहीं ये मतलब उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो जाएगा. इफ़ न्यूली क्रिएटेड वेल्थ गोज इन रिच ऑलरेडी रिच एंड द पर्पज इज नॉट सर्व, द पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी एम टर्निंग डाउन द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन. यानी जो हमारे देश में क्या है, अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, हम जानते हैं इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन. यानी जो रिच है वो क्या होता है, लगातार रिच होता जा रहा है, और जो आपका पुअर है वो लगातार पुअर होते जा रहा है. क्यों, क्योंकि हमारा जो देश है, हमारे यहाँ पर क्या है, अनइक्वल जो है वेल्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है. यानी गरीब को गरीब ही करते जा रहे हैं सरकार लोग और अमीर को अमीर. अब ऐसा क्यों है ये जानते हैं, देखिए आगे क्या दिया गया है. क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटी से लोगों को ट्रीट किया जाता है, और लोगों के पास ये भी होना चाहिए पावर टू वर्क एंड सेव. लोग कमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा खर्च ना करके क्या करें, सेव करने का पर्पज़ रखें, और उन्हें विल वर्क एंड सेव, उन्हें सेविंग करना ही चाहिए, तभी हमारे देश में क्या होती है, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और प्रगति होगी. अब रोल क्या है पब्लिक एक्सपेंडिचर का, देख लेते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में. डेवलपिंग कंट्रीज़ का मतलब क्या है, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, ये सब क्या हमारे डेवलपिंग नेशन है ना, जो कि अभी क्या है टेक ऑफ नहीं किया इन्होंने. टेक ऑफ मतलब डेवलपमेंट की तरफ अभी मतलब बढ़ रहा है धीरे धीरे. तो रोल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन डेवलपिंग कंट्री में क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक ओवरहेड्स क्या है. द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज हैंडीकैप्ड इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. पब्लिक एक्सपेंडिचर सोशल एंड इकोनॉमिक ओवरहेड्स के लिए क्या होगा, कि अगर मान लीजिए कोई इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, कैपिटल अच्छा होगा, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपका बिल्डिंग अच्छी होगी, मशीनरी अच्छी होगी, तो हमारा क्या है, जो इकोनॉमिक ओवरहेड्स है, जैसे रोड हो गया, रेलवे हो गया, इरिगेशन हो गया, प्रोजेक्ट पावर प्लांट हो गया, ये सब क्या होगा, कहीं ना कहीं अच्छा होगा, इनहेंस होगा. तो पब्लिक एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं इसके लिए इम्पॉर्टेंट है. सोशल ओवरहेड जैसे आपका हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हो गया, ये सब इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है. तो पब्लिक एक्सपेंडिचर किसके लिए, इकोनॉमिक ओवरहेड एंड सोशल ओवरहेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इकोनॉमिक ओवरहेड वो होता है जिससे हमारे देश के मतलब इकोनॉमिक सेक्टर को बढ़ावा मिलता है, जैसे आपका हो गया रेलवे, इरिगेशन, पावर प्लांट, प्रोजेक्ट, इकोनॉमिक स्पेंडिंग, ठीक है, करते हैं हम इन सब चीज़ों पर, तो हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक ओवरहेड में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है. सोशल स्पेंडिंग क्या होता है, जैसे हम स्कूल कॉलेज हो गया आपका, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हो गया, अगर इस पर खर्च करते हैं तो इसमें हमारा बढ़ोतरी होता है. बैलेंस रीजनल ग्रोथ, सारे रीजन का ग्रोथ होना चाहिए, चाहे वो साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, तो हर जगह पे जो बैकवर्ड एरियाज़ है वहाँ पर भी डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ है वहाँ पर भी एक्सपेंडिंग होना चाहिए, खर्च होना चाहिए, उनको स्पेशल अटेंशन मिलना चाहिए, ठीक है. तो आपके रोल ये होता है, पहला क्या है रोल, कि हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक ओवरहेड को बढ़ोतरी मिले, दूसरा है बैलेंस रीजनल ग्रोथ, तीसरा क्या है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्री. जब हमारा गवर्नमेंट खर्च करता है तो वो डेवलपमेंट करता है किसका, कृषि और किसका, आपके इंडस्ट्रीज़ का. क्योंकि जो कृषि है उसी से रॉ मटेरियल प्रोवाइड होता है किसको,
इंडस्ट्री को, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर ये दोनों निर्भर है। जब कृषि की बढ़ोतरी मिलेगा तो आपके इंडस्ट्री को भी बढ़ोतरी मिलेगा, तो और जब इंडस्ट्री बढ़ेगी तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, आपके क्या बोलते हैं, इनकम उनका जनरेट होगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और हमारे देश का विकास भी होगा। जैसे स्टील प्लांट हो गया, हैवी इलेक्ट्रिकल प्लांट्स हो गए, हैवी इंजीनियरिंग मशीनरीज हो गई, वो कहाँ बनता है, इस इंडस्ट्री में बढ़ता है तो हमारा कैपिटल का भी ग्रोथ होगा। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड मिनरल रिसोर्सेज। कभी कभी हम एक्सप्लॉयट करते हैं डेवलपमेंट के लिए किसके रिसोर्सेज को, जो रिसोर्सेज आगे चल के क्या होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को खर्च करना चाहिए, है ना, कि लोग इस मिनरल को ख़त्म कम करें, मतलब ऐसे ऐसे मिनरल्स का यूज़ करें जो कि क्या हो, रिन्यू हो सके। ठीक है, तो ये कम हो, और गवर्नमेंट खर्च क्यों करती है, सब्सिडीज़ देने के लिए, ग्रांट्स देने के लिए, लोकल गवर्नमेंट को सब्सिडी देती है लोगों को, जैसे गैस पे सब्सिडी मिलती है, फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी मिलती है, ग्रांट्स मिलती है। जैसे मान लीजिए कोई देश, इस समय देखिए उड़ीसा और आपका बंगाल में जो आपका चक्रवात आया है उसकी वजह से उनको कुछ ग्रांट दिए जाएंगे, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किसी देश किसी मतलब राज्य में आपके आपदा आती है तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अनुदान देती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रांट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ये भी करती है, लोकल गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करती है, आपके जो लोकल गवर्नमेंट है उसको भी डेवलपमेंट के लिए पैसे देती है। तो ये सब क्या है, रोल है पब्लिक एक्सपेंडिचर का। ठीक है, तो कौन कौन सा रोल देख लें फिर से एक बार, तो पहला हमारा है सोशल एंड इकोनॉमिक ओवरहेड, आपका दूसरा है बैलेंस रीजनल ग्रोथ, ऐसे खर्च होना चाहिए कि हर रीजन का ग्रोथ होना चाहिए, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलना चाहिए, और हमें कम से कम हम एक्सप्लॉयट करें मिनरल रिसोर्सेज को और सब्सिडी और ग्रांट्स एंड लोकल गवर्नमेंट्स को और एक्सपोर्टर्स को दें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रोल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो आज हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर का टॉपिक जो है कवर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।